क्या नाम है? संकेत चौहान। कहाँ रहते हो आप? मैं स्मार्ट सोनगर गली नंबर 2 में रहता हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये है कि मैं घर आया था ड्यूटी से, फिर मैं सामान लेने गया दुकान पे, तो दुकान पे जैसे ही मैं गली से बाहर निकला, चीता वाले आके रुक गए वहाँ पे। बोले तुम्हारा मेरे पास फोटो है और तुम बैठो, संकेत नाम है तुम्हारा? मैंने कहा हाँ। तो मुझे बैठा लिया और चौकी ले गए। वहाँ ले जाके उन्होंने मेरे लिए धमकाया और फिर बाद में बोलते हैं कि मतलब क्या चाहते हो। तो मैंने कहा मैं छूटना चाहता हूँ क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। तो बोले अगर छूटना चाहता है तो मुझे 20,000 रुपये दे। तो मैंने जैसे तैसे करके उन्हें 8,000 रुपये दिए। और मेरे मम्मी पापा हैं नहीं और मैं अपने परिवार खुद ही चलाता हूँ। मतलब आप काम करते हो? मैं मेरी सिटी हॉस्पिटल में। कितने साल हो गए मेरी सिटी काम करते हुए आपको? मुझे 3 से 4 महीने। कितने बजे तक करते हो आप? मैं सुबह 8 बजे से शाम के 7 और 8 के बीच में। मतलब आप काम करके आ रहे तभी रोका था आपको चीता वाले ने? नहीं, हाँ मतलब काम करके घर पे आ गया था, घर से सामान लेने गया था दुकान पे। हाँ तब, और फिर मुझसे 8,000 रुपये लिए, तब मुझे छोड़ा और लिखवा लिया कि मतलब पूछताछ के लिए लेके आए थे। धमकी क्या क्या दी थी चीता वालों ने? धमकी ये दी थी कि तमंचा चाकू और चरस लगा के और इसे जेल भेज दिया जाए। चौकी इंचार्ज का नाम? चौकी इंचार्ज का प्रवीण बेनीवाल।